नमस्कार दोस्तों और आज की वीडियो में हमेशा की तरह हमारा कोई अकाउंटिंग से संबंधित कोई लेक्चर नहीं रहेगा और आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमोलक सिंह गिल और आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे भी तो जो आज की स्थिति पूरे इंडिया में चल रही है कोविड की वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस स्ट्रेस में आ रहे हैं कोविड की नेगेटिव खबरों को देख देख के डिप्रेशन में आ रहे हैं तो आज हम साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोचिकित्सक की राय जानेंगे भी स्टूडेंट को किस प्रकार इस पैनिक स्थिति से निकलना है क्या सिचुएशन है क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो ये सारी बातें आज हम डॉक्टर अमोलक सिंह गिलजी से जानेंगे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर। और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो डॉक्टर साहब आपसे जो पहला क्वेश्चन है भी आज की स्थिति के अनुसार भी स्टूडेंट्स हैं विशेषकर वो स्टूडेंट्स जिनकी नियर बाई में जॉब लगने के चांस हैं और वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं भी हर स्टेट में चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो कोविड की वजह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो रहे हैं तो उसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आपका क्या मानना है भी उनको इस जो पूरा मतलब इंडिया इस क्रिटिकल पोजिशन से जूझ रहा है भी ऐसी स्थिति में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए भी अपना मतलब मेंटली पॉजिटिव किस प्रकार रहना चाहिए क्या उनको मतलब आप सुझाव देना चाहोगे आपके चैनल पर जितने भी अपने जो भी मित्र सुन रहे हैं उनके लिए सभी का मैं स्वागत करता हूं और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि कोविड के कारण आजकल सारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है जैसे अपने बात करते हैं कि आपदा में अवसर है तो वो एक तो अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रखें और क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है तैयारी करने का घर पर रहें और वो नेगेटिव विचारों से ना लड़ें कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम होंगे क्या नहीं होंगे या एग्ज़ाम ना हुए तो हमारा फ्यूचर क्या होगा ऐसी कोई बात नहीं है सभी एग्ज़ाम होंगे परंतु अब ये कोरोना की कंडीशन ऐसी आ गई कि सरकार को सारे एग्जाम पोस्टपोन करने पड़े तो जो उनके लिए ये टाइम है तो अकॉर्डिंग टू मी जो इस समय का सदुपयोग करें घर पे बैठ के अपना एक टाइम टेबल बनाएँ अच्छी तैयारी करें और अपने मित्रों से फ़ोन पे जो राय मशवरा करना है वो करें बैठ के और अपना कोई अच्छे ग्रुप बनाएं उसमें अपने जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर बनते हैं छोटे मोटे वो वो पेपर्स अपने ऑनलाइन या कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें अपनी तैयारी को मेंटेन रखें वो लगातार उस तैयारी को ना छोड़ें एग्ज़ाम सारे होंगे और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भी स्थिति कंडीशन ऐसी है कि हमें एक बार भी हमें पोस्टपोन करने पड़ेंगे मजबूरी है यदि हमें एक बार सभी को खुला छोड़ देंगे तो कोरोना आपके सामने विकराल रूप में फैल ही रहा है तो बढ़ेगा तो एक अच्छा लॉकडाउन है तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा यही मानना है कि वो घर पर रहें समय का सदुपयोग करें अच्छे नोट्स बनाएँ अपने फ्रेंड से आजकल ऑनलाइन जो आज इतने यूट्यूब चैनल है व्हाट्सअप है ग्रुप में जुड़ें और जो इतने वीडियो आते हैं उनसे देख के तैयारी करें वो तो अपनी तैयारी जिनकी है प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से करें बहुत बढ़िया तैयारी करें एग्ज़ाम होंगे और अपने एक माइंड को ना पॉजिटिव रखें कॉन्फ्लिक्ट में ना लेके आएँ भी पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा कारण क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं पता नहीं एग्ज़ाम का होगा क्या नहीं होगा एग्ज़ाम जरूर होंगे अपने विचारों में संघर्ष पैदा ना करें पॉजिटिव और नेगेटिविटी ना लाएं हमेशा पॉजिटिविटी रखें कि एग्ज़ाम होगा हम तैयारी कर रहे हैं और जैसे ये कोविड के कारण एग्ज़ाम आएंगे आगे तो आपकी तैयारी बहुत बेटर होनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हमारी इतनी अच्छी तैयारी है और कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम देने जाओगे तो आप सफल जरूर होगे सफलता आपको लगातार निरंतर बना कोशिश आपको जारी रखनी पड़ेगी सफलता के लिए और कोशिश करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी अपने में नेगेटिविटी ना लाएँ लगातार तैयारी रखें मेरा यही मानना है अभी जी तो दोस्तों आज की जो हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद यही था क्योंकि मैं इनके पास बैठा था ये हमारे क्लासमेट हैं हमारे फ्रेंड्स हैं तो पिछले दस मिनट से कम से कम तीन चार पेरेंट्स के इनके पास फोन आ चुके थे भी स्टूडेंट्स के करियर को लेके भी अब स्टूडेंट्स है वो हमारा जो पढ़ रहा है लेकिन जो कि जैसे हम देख रहे हैं भी रीट का एग्जाम है जो वो नीट का एग्जाम है वो कंटिन्यू आगे पोस्टपोन हो रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड इनके पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रही थी पेरेंट्स की स्टूडेंट की भी अब स्टूडेंट्स है जो हमारा जो बच्चा है वो प्रॉपरली गलत पे सही तरीके से पढ़ नहीं रहा वो प्रॉपरली से खाना पीना अच्छी तरीके से नहीं कर रहा तो मतलब पिछले पंद्रह बीस मिनट से तीन चार मतलब पेरेंट्स के पास फ़ोन आ गए तो हमने इसको वीडियो को बनाने का हमने सोचा भी ऐसे बहुत सारे और भी पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं उनका स्टूडेंट्स हैं वो उनके जो बच्चे हैं घर पे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कैरियर को लेके तो ऐसी स्थिति में तीन चार फ़ोन आने के बाद हमने सोचा भी इस पर एक प्रॉपरली सही तरीके से एक वीडियो बनाया जाए एक पॉजिटिव एक मैसेज दिया जाए पूरे इंडिया में तो दोस्तों आज की वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट देखना वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी लगता है भी इस मैटर पे आपके अच्छे सुझाव और रहने चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगर आपको लगता है भी ये वीडियो एक स्टूडेंट्स के लिए एक पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव मैसेज लेके आया है तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अगर आपका ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर आपके जो भी सुझाव रहेंगे आप जो भी कमेंट कर रहे हो इस मैटर पे तो आप अपना नाम अपने स्टेट का नाम साथ में ज़रूर लिखें क्योंकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर आपका नाम के साथ हम उस जो आपके कमेंट रहेंगे उसके साथ बोलेंगे जो आपके पॉजिटिव विचार रहेंगे तो डॉक्टर साहब एक बात और देखिए अभी तक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चिंता में आ रहे हैं भी हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा अपने कैरियर को लेके क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अब लगभग नियर एजेज हैं जिनकी एज भी होने वाली है तो अब स्टूडेंट के साथ साथ कई पेरेंट्स भी ऐसे हैं भी जो अपने बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं हालांकि उनके बच्चे इतने ज़्यादा चिंतित नहीं हैं उनके करियर को लेकर उनके पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित हैं तो आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे इस पोजीशन के कोविड नाइन्टीन को देखते हुए देखो सर बात यह है कि पेरेंट्स की भी एक अच्छी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक आशावादी बने निराशावादी ना बने क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि यदि हम खुद ही हम इनविच्योर हो जाएंगे हम अपने नेगेटिव विचार पेरेंट्स ही ले आएंगे तो बच्चों पे इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा तो पेरेंट्स की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक तो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से देखभाल करें और उसके लिए एक पॉजिटिव घर में एक हंस ऐसे हंसमुख अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि बच्चा घर के अंदर अच्छा रहे खुद भी अच्छे रहें नुमा माहौल बनाएँ एक अच्छा इन्वायरमेंट घर का रहे कि घर के अंदर एनजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस जैसी कोई बात ना आए क्योंकि कंडीशन तो है इसमें अपने क्या कर सकते हैं कुछ हो नहीं सकता परंतु पेरेंट्स का भी एक है कि वो खुद भी एक पहले अपने आप को एक अच्छा मोटिव बनाए अपना खुद एक अच्छे से पॉजिटिव विचार विकसित करें और उसके बाद बच्चों में भी ऑटोमेटिक आएंगे यदि पेरेंट्स ही डिप्रेशन में चले गए तो बच्चों पर इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा क्योंकि बच्चे ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे और उनका जो आगे जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आएगा तो एक मेरा यही है कि यदि हमने आशावादी बनकर रहेंगे ना तो उसका एक रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो पेरेंट्स इस चीज़ को या ये ना लें कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे हमने हमारे बच्चों पर इतना खर्च कर दिया या जो भी है तो कोई बात नहीं एक पेरेंट्स नहीं है बहुत पेरेंट्स है सभी के लिए इक्वल है ऐसे तो नहीं अपने बच्चे अकेले घर में बैठे हैं सभी के बच्चे घर में हैं तो परंतु बच्चों के लिए तैयारी के लिए एक अच्छा अवसर भी है आप बच्चों के साथ बातचीत कीजिए घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए अपने फैमिली को इकट्ठा बिठाइए आप बातचीत करो एक अच्छा आपके घर में माहौल बनेगा जैसे बच्चा दोबारा जब ये कोविड की कंडीशन से अच्छी कंडीशन में हम जाएंगे तो दोबारा बच्चा तब एक अच्छे माहौल में एक अच्छे इन्वायरमेंट में यदि हम डिप्रेशन में रहे घर के अंदर स्ट्रेस का एक माहौल बना के रखा ऐसा लगा बच्चा भी डरा डरा से महसूस करेगा तो डर है ना व्यक्ति को वो उसको रिजल्ट ऐसा जो अपना अच्छा रिजल्ट चाहते वो नहीं दे पाएगा तो पेरेंट्स डरे नहीं पेरेंट्स बच्चे को भी एक अच्छा मान लो बच्चे को समझाएं और उसको जो एक अच्छे मैंने कहा कि जैसे एक अच्छा माहौल बना के रखें बच्चे के साथ और एक मित्र नमा व्यवहार करें घर के अंदर तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं पेरेंट्स जी डॉक्टर साहब एक आप काफ़ी लंबे टाइम से एक मनोज की साइकोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट रहे आप काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में बतौर प्रैक्टिकली भी आप इनको रिसर्च करके देखें भी जब एक मतलब इंसान घर का जो मेन मुखिया होता है अगर वो किसी कारण स्ट्रेस में आ जाता है तो उसको देख के हो सकता है उनके घर जो उनके बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता यून दुखी हो जाते हैं तो आपको लगता है भी अगर एक बंदा कोई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है इतनी ज़्यादा चिंता करता है तो वो हो सकता है भी अपने एक रोग के साथ दो दो चार रोग और भी लगा ले क्या मानना है आपका हाँ जी ये होता है ये तो आजकल आप देखते हो एक तो मेंटल डिजीज होती हैं और एक होती है फिजिकल डिजीज़ फिज़िकल डिजीज़ जितने भी लोगों को हो रही हैं उनका मेन रीज़न यही माना गया कि मेंटल डिजीज़ है अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं सारे टेस्ट करवाते हैं और सब कुछ देखने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो टेस्ट में कुछ नहीं आता सारी रिपोर्टें सही आती हैं कारण क्या होता है कि व्यक्ति में मेंटल डिजीज़ है हमारे में स्ट्रेस डिप्रेशन और ये इतना बढ़ चुका है एन्जाइटी का लेवल कि हम अपने आप को ये बता नहीं पाते कि हम किस कंडीशन में हैं तो ये इस जितनी भी ये मेंटल डिजीज डिजीज़ मानी जाती हैं इन सब का कारण व्यक्ति खुद होता है हम मैं हम अपने मैं ऐसे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो एक अपने में ये टेंशन या डिप्रेशन आप में है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे तो आप ना दस मिनट के लिए एक अकेले रूम में बैठिए और आप एक अपने आप में एक एक आंखें बंद करके मनन कीजिए एक आप महसूस कीजिए कि मैं हूँ मेरे बच्चे हैं मेरा परिवार है यदि आप ऐसा सोचोगे और मैंने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगी महसूस करो कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ तो आप एक अपने परिवार का एक बेटर फ्यूचर बना सकते हो और बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो यदि मुख्य ही ऐसा डिप्रेशन में आएगा तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तो असर पड़ेगा तो आजकल कोरोना देख लो आप डर के कारण जिनमें डर है उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो ये अपना जो ये नेगेटिव जितने भी अपने आइडियोलॉजी या विचार आ रहे हैं फेसबुक व्हाट्सअप पे इनको आप इग्नोर कीजिए आप एक पॉजिटिव सोचिए कि ये कोई एक सामान्य बीमारी है इसका इलाज संभव है और हम यदि हुआ तो हम इसका इलाज करवा लेंगे तो इसको नेगेटिव वे मत जाइए आप ठीक है और एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है हालांकि उसके लिए काफ़ी हद तक हम सब लोग जिम्मेवार हैं भी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो भी आप कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल आप ओपन करके देखिए चाहे आप सोशल मीडिया ओपन करके देखिए हर जगह नेगेटिविटी फैलाई जा रही है भी आज इंडिया के अंदर तीन लाख केस आए या तीन लाख पचास हज़ार केस हो गए हालाँकि केस आए हैं मानते हैं बात लेकिन इससे ज़्यादा रिकवर भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कोरोना को मात दे के घर पर भी आ रहे हैं अच्छी पोजीशन में है इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रखी तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है भी इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेवार हैं कोई भी एक नेगेटिविटी है जस्ट उसको मतलब सोशल मीडिया पे फेसबुक पे या व्हाट्सअप के ग्रुप में हम तुरंत उसको शेयर कर देते हैं तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहोगे भी जो लोग गलत मैसेज को ज़्यादा वायरल करते हैं जबकि वो पॉजिटिव मैसेज को बहुत ही कम ज़्यादा वायरल करते हैं आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे मेरा तो यही है सुझाव भी आप देख लो भी जो करोना है ना करोना इसके कई रूप बन चुके हैं प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अलग अलग यदि किसी परिवार के अंदर किसी की डेथ हुई है ना कोरोना के कारण उनके लिए तो यह बहुत बड़ी महामारी है क्योंकि उनका एक जरूरी व्यक्ति परिवार से चला गया यदि किसी व्यक्ति कोई परिवार में कोरोना हुआ और वो व्यक्ति वहाँ सही होकर उनके घर पर आ गया तो वो उनके लिए बीमारी है और कुछ लोगों के लिए परिवार में भी तो कुछ हुआ नहीं उनके लिए सामान्य इन्फॉर्मेशन अभी कोरोना है ही नहीं क्योंकि जिनका चला गया या जिनके बीमारी हुई सही हो गया या जिनके नहीं हुआ ये सब के लिए बात मेरे हिसाब से इक्वल ही है क्योंकि कोरोना तो है अपने मानते हैं परंतु अब ये है कि अपने कोरोना को लेके अपने नेगेटिविटी या अपने में डिप्रेशन बढ़ाएंगे घर के अंदर अपने एक खुशनुमा माहौल ना रखेंगे और सारा दिन चिंता पता नहीं क्या होगा दुनिया रहेगी या जाएगी ऐसा कुछ नहीं है साथियों लगभग नाइन्टी सेवन परसेंटेज इसकी रिकवरी रेट है लोग सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छी पॉजिटिविटी लाइए आप जो सिंपल जो इसके तरीके बता रखे हैं जो अपने आयुर्वेद के अंदर चलता है गर्म पानी वो जो पिए या नींबू मिला के गर्म पानी से के साथ लीजिए आप सब बेसिक ट्रीटमेंट है खट्टे विटामिन सी लीजिए आप तो ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है हम कर सकते हैं परंतु अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पॉजिटिविटी लेके आए आएँ भी क्या कोरोना है क्या अपने इसका इलाज कर सकते हैं यदि नेगेटिव अपने खुद ही हो गए अपने खुद ही नेगेटिव मानने लगे कोरोना हो गया तो अपने पता नहीं अब हमारा फैमिली में क्या होगा क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं रखना एक अच्छे विचार लाइए और हम लड़ सकते हैं बीमारी से ऐसी कोई बात नहीं हम जीतेंगे और हमारा देश भी जीतेगा कोरोना से पॉजिटिविटी भी आएगी तो इस बात को तो हेल्थी डॉक्टर भी यही मान का भी मान नहीं है भी आप जल्दबाजी के अंदर किसी हॉस्पिटल की तरफ मत भागिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए जहाँ तक हो सके आप शुरुआती के दिनों में थोड़ा लक्षण दिखे तो आप उनका प्रेज कीजिए अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए अगर आपको यूँ लग रहा है भी कोविड है लेकिन मेंटली आपको पॉजिटिव रहना है तो डॉक्टर बेहतर चिकित्सक भी ये मानते हैं भी अपना प्रॉपरली जो घर पर इसका इलाज हो सकता है वो करें ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि हम हॉस्पिटल की अगर बात करें तो कहीं मतलब ऑक्सीजन की कमी है वेंटिलेटर की कमी आ रही है बेड्स की कमी आ रही है तो आने की मेन वजह आपको लगता है भी जो लोग जल्दबाजी के अंदर स्ट्रेस के अंदर मतलब लक्षण ना आने के बावजूद भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल की तरफ भागने को लगते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है नहीं वो जो कोरोना जिनको हो भी रहा है उनका घर पे भी ट्रीटमेंट संभव है यदि जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं हम गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है जिनमें सामान्य लक्षण वो घर रहे पर रहें परंतु जो जा रहे हैं ना उनमें मेरे हिसाब से उनमें ज़्यादा स्ट्रेस है कि अब कोरोना हो गया पता नहीं क्या होगा हम हॉस्पिटल चलते हैं जब हमारे में अब इतना टेंशन या तनाव हमने बढ़ा ही लिया कि पता नहीं क्या होने वाला है तो हम हॉस्पिटल जाएंगे मेरे हिसाब से उनको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए इसका बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट यदि अपने में सिम्टम्स कम कम हैं तो अपने घर पे इलाज, इलाज कर सकते हैं तो वो अपना इलाज घर पे करें बाहर ना जाएं और यदि हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको पता भी अब अभी थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ हैं क्योंकि कोविड के कारण वहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो सीरियस लोग हैं उनको ये वहाँ पर बेड बहुत मुश्किल से मिल रहा है तो ऐसे लोग घर पर ट्रीटमेंट करें अपना और जो सामान्य देसी देसी तरीके हैं जो वो अपना यूज करें तो इनका क्या होगा कि यदि विचारों में एक सकारात्मकता है ना पॉजिटिविटी है अच्छे लोगों से रिलेशन बनाएं जो उनके अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले मित्र हैं उनसे बातें करें और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जिसको कोरोना हुआ उसको एक हौसला दीजिए आप भी कुछ नहीं होने वाला भी आप जिंदगी की जंग जीतोगे कुछ नहीं है अपने आपके साथ खड़े हैं हम आपके लिए तो यदि हम सभी से ऐसे जिनको हो रहा है उसको सहारा देंगे ना पॉजिटिव सोच के साथ भी ऐसे कुछ नहीं है ये सब कुछ खत्म होने वाला है सामान्य जिंदगी आप जियोगे तो वो सामने वाला जो कोरोना से जंग लड़ रहा है वो भी एक अच्छी सोच से जीतेगा यदि आपसे उसको डराएंगे ये हो जाएगा अब तो पता नहीं क्या होने वाला है तो वो भी उसमें नेगेटिविटी आएगी वो डर जाएगा तो डर के कारण भी एक अपने बहुत सिम्टम्स जो रोग पैदा होते हैं वो तो डर के कारण भी है डरेगा तो हमारी बॉडी बहुत से ऐसे हार्मोन्स छोड़ती है जो हमें हमारे में नेगेटिविटी लाते हैं और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कमजोर करते हैं तो ये ये हमारी जो पॉजिटिविटी है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी वो बढ़ेगी बढ़े तो ही हम कोरोना से लड़ेंगे तो वो सब सबकी नैतिक जिम्मेदारी है जो मित्र हैं हम जो हमारे सर्किल में रहने वाले हैं वो पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाएँ और लोगों से एक अच्छा सकारात्मक माहौल व्यवहार तैयार करें ठीक है और एक सबसे इम्पोर्टेंट है भी अभी तो हम बात कर रहे थे खाली स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को लेके और अब से सबसे जो बड़ा मुद्दा वो आ रहा है भी ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी कोविड की वजह से जॉब जा चुकी है या जिसकी जॉब अभी जाने की कगार पे है क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उन्हीं की सैलरी के दम पर उनका परिवार चलता है तो अगर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गए जो अपनी जॉब को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं और उनका इस स्थिति में होना भी लाजमी है क्योंकि देखो से, पैसे के बगैर घर नहीं चलता यह सबको पता है बैठ के बात करना बहुत आसान है इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है जिसको आपको पता है भी पिछले मार्च ट्वेंटी से वो बंद है लगभग उसको एक साल से ऊपर हो गया तो हम समझ सकते हैं भी जिसके घर पे एक सिर्फ निजी मतलब सात से आठ हज़ार रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा दस बारह हज़ार रुपये मंथली कमाने वाला व्यक्ति एक आदमी कमाने वाला है उसके घर पे कम चार आदमी उसके खाने वाले हैं तो उसको वो किस प्रकार हैंडल करेगा क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ये क्रिटिकल पोजीशन है वो अपने आप को क्योंकि अब ये कोविड ऐसा भी नहीं है अभी कोई लाइफ टाइम चलेगा अब गवर्नमेंट भी मानती है अभी इसको साथ अब जीना पड़ेगा तो हमें एक पॉजिटिव विचार हमें दिमाग में रख के भी जो स्थिति अभी रही है हमें दो तीन महीने जो भी अब निकालने हैं भी किससे निकालें ताकि हम स्ट्रेस में ना आए क्योंकि अगर हम एक बार घर का जो मेन मुखिया अगर स्ट्रेस में आ गया तो हो सकता है वो अपने परिवार को भी साथ में ले डूबेगा क्योंकि अब स्ट्रेस है अब एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टरों का भी यही मानना है हेल्थी डॉक्टरों का भी यही मानना है भी आपके मन के अंदर ही जहर बनता है और आपके मन के अंदर ही आपके पॉजिटिव विचार बनते हैं तो आपसे भी उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी जैसे तैसे करके आप दो तीन महीने जो भी कोविड की सिचुएशन है उसको जैसे तैसे करके आप अपने परिवार को संभालिए आपके जो खर्चे हैं उनको थोड़ा सा आप कम कीजिए हालांकि इनकम बंद हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है अभी ये परमानेंटली हो गया ये दो या तीन महीने तक रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चार महीने रह जाएगा तो कहीं ना कहीं जॉब रहेंगे क्योंकि ज़िंदा रहना जरूरी है ज़िंदा रहेंगे तो काम और भी मिलेंगे तो दोस्तों थोड़े से एक माफ़ी चाहेंगे भी हो सकता है आपको मतलब वो हवा चल रही है वॉइस के वजह से थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो हमारे प्रॉपर्ली खेत में हम कर रहे हैं हमारे जो आप पीछे का जो सीन देख रहे हो आप वो प्रॉपरली नेचुरल है कोई ये वॉल नहीं है क्योंकि हम ये हमारे खेत में शूट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में हमारा चल रहा है तो डॉक्टर साहब आप उनके बारे में क्या करना चाहोगे जो जॉब छूटने की कगार पे है या जिनकी जॉब छूट चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि वो कमाने वाला एक है तो उनके दिमाग में किस टाइप के पॉजिटिव विचार आने चाहिए देखो सर जो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जितने भी अपने देश के अंदर जो काम कर रहे हैं और जो वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनका घर सिर्फ उनकी जॉब से ही चलता है तो इंस्टीट्यूट से भी मेरा निवेदन है कि वो ऐसे लोगों की जॉब को ना ख़त्म करें उनको वर्क फ्रॉम होम आप काम दीजिए घर पे बिठा के उनसे काम लीजिए आप और उनको सैलरी दीजिए आप क्योंकि उनका घर उनसे चलता है यदि पैसा नहीं होगा तो व्यक्ति कमाएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या चलो कोई बात नहीं यदि इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे भी हैं वो सैलरी नहीं देते उनमें हट दर्मिता आ गई उनमें इंसानियत मानव या अपने इंसानियत अच्छी नहीं है या मानवीय गुण नहीं है परंतु चलो कोई बात नहीं उनकी भी मजबूरी हो सकती है कि आप तो उनका पीछे पीछे से पैसा रुक गया हो आगे ना दे पाएँ ऐसा भी कुछ कारण हो सकता है उनका भी निजी रीजन हो सकता है परंतु साथियों मेरा तो यही कहना है कि आप अकेले नहीं हो ऐसे अपने जैसे बहुत लोग हैं जो इनका काम छूट जाएगा रोज़गार छिन जाएगा परंतु रोजगार छिन गया तो ज़िंदगी थोड़ी छिन गई अपनी ज़िंदगी है तो हम रोज़गार भी कुछ और पा लेंगे एक बार आपके पास कुछ नहीं है तो एक बार तो सरकार भी थोड़ा बहुत सहायता दे रही है आपको आप उससे भी थोड़ा अपना प्रॉपर काम चलाइए एक ये है कि आप अपने खर्चे को कम कीजिए आप और आप एक ये मत सोचिए कि मेरा तो जॉब चलेगी बस मेरी लाइफ ही चलेगी आप ये मत सोचिए आप अपने बिहेवियर में एक अच्छे ऐसे ऐसे सिम्टम्स लेके आइए कि लगे कि मेरी जॉब छुट्टी नहीं मैं मेरे में बहुत कुछ नया जज्बा है कि मैं नया काम शुरू करूँगा कुछ नया आप ऐसे एक आजकल सरकार ने भी कह रखा है कि अपने जो हमें कहते हैं आत्मनिर्भर भारत ऐसी सोच लाइए कि हम ऐसा काम करें कि हम खुद का बिजनेस कर लें छोटे मोटे घर पर आप काम कर सकते हो आप तो अपने वो एक आइडियोलॉजी अब खुद क्रिएटिविटी लाइए आप सक्र एक सृजनात्मक क्षमता विकसित कीजिए नए नए विचार खुद आप बनाइए और ऐसे आप धंधे कीजिए कि आपने खुद अपना एक बिजनेस शुरू कर सकें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी आप इसको एक पॉजिटिविटी में लेके अपना काम कर सकते हो डिप्रेशन में मत जाइए यदि जाओगे तो घर भी ख़राब होगा और अपना जो सिस्टम चल रहा है सारा वो भी इसमें हमारा बंद हो जाएगा तो आप ऐसा काम मत कीजिए और अपने अच्छे लोगों से रिलेशन बनाइए उनसे बातचीत कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप कर सकते हो बहुत से लोग ऐसे जो अपना नया बिजनेस करके अपना नया काम एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जब जो, वो जॉब में थे वो कोई कुछ नया सोच नहीं रहे थे क्योंकि वो जॉब में तो अपना काम कर रहे थे घर पर आ रहे थे सैलरी आ रही थी अब उनके लिए मौका है कि वो अपना काम एक अच्छे विचार से एक नई सोच लेके आए नया काम शुरू करें और अपने आप को एक दुनिया के सामने आपदा में अवसर जैसा मौका है वो अपने को पेश करें अपने में है योग्य तो हम नया कुछ काम कर लेंगे और नेगेटिविटी में मत जाइए आप तो सर यही कहना चाहूंगा कि आपका चैनल भी हम भी देखते हैं आपके चैनल में दुनिया में अच्छा नाम कमाया है और बहुत दूर दूर से आपके मैंने सब्सक्राइबर देखे हैं आप में भी क्वालिटी है सर जो आप दे रहे हो लोगों को घर बैठे हो थैंक यू आप दिखा रहे हो इसका भी हमें गर्व है कि आप हमारे एक फ्रेंड हो आपने एक अच्छा मुकाम पाया है तो अब बाकी मैं एक और ये कहना चाहूँगा कि जो घर बैठे हैं लोग वो भी उनमें भी टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में टैलेंट खूब है तो हमारे एक साइकोलॉजी में एक डेफिनेशन है जो कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है ना हमारे बुद्धि जो हम कर सकते हैं जितना वो हम किस करते हैं हमारे में हम हमारी इंटेलिजेंसी से करते हैं बुद्धि से करते हैं तो हमारे बुद्धि के अंदर भी दो फैक्टर काम करते हैं एक जनरल फैक्टर होता है एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जनरल फैक्टर सभी व्यक्तियों में आम होता है किसी में सामान्य छोटे छोटे जो भी कोई हम काम भी कर सकते हैं हम कुछ डांस भी कर लेते हैं थोड़ा सॉन्ग भी कर गा लेते हैं हम टीचिंग भी करवा लेते हैं ये जनरल फैक्टर सामान्य छोटे 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 गुण व्यक्तियों में जनरल फैक्टर कह लेते हैं स्पेसिफिक फैक्टर वो होता है कि आपको लगता है कि आपकी किसी काम में रुचि है और वो आप किसी काम प्राइवेट काम में आप जॉब कर रहे हो वो रुचि आपकी आपको सैलरी कम मिल रही है आप वहाँ से संतुष्ट नहीं हो तो आप उस जनरल फैक्टर को आप इंकरेज कर सकते हो आप खुद उसमें क्रिएटिविटी लाइए सृजनात्मकता लाइए नए विचार जोड़िए कि ये जॉब जो चल रही है इसको मैं एक बार कम खर्चे से कैसे शुरू करूं आप अपनी जो क्वालिटी है ना उसमें इंटेलिजेंसी में क्वालिटी लाइए क्वालिटी लाओगे ना तो लोग अपने आप आपके पीछे चलेंगे और जो पीछे चलोगे तो आप, आपका ग्राफ बढ़ेगा आप छोटे बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए आप जो धीरू भाई अम्बानी था छोटे से परिवार से आदमी था जो आज देखो इंडिया में टॉप रिचेस्ट मैन है तो आप भी कर सकते हो आप में क्रिएटिविटी लाइए आप अपने स्पेशल फैक्ट्री इंटेलिजेंसी का है उसको बढ़ाइए आप हमारे में क्या क्वालिटी आप पहले पहचानिए और उसको आप आगे इंक्रीज कीजिए तो हम दुनिया में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो बाकी आपके चैनल पर जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं आपके दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना धन्यवाद साथियों अब देखा जा रहा है अभी पिछले लास्ट ईयर भी अब बात देखा था भी जब से एक इंस्टीट्यूट है कोचिंग सेंटर है जो कोविड की वजह से बंद हो गए थे तो काफ़ी सारे टीचर्स ने अपना जो मतलब इनकम का ज़रिए जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी करके बनाया था किसी ने अपना ऐप बनाया था किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था हालाँकि अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जिन्होंने अपना प्रॉपरली वो वर्क है ऑनलाइन का जो छोड़ दिया था जैसे कोई इंस्टीट्यूट है कहीं किसी स्टेट में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था उसको खोलने के लिए तो उसकी खोलने की वजह से उन्होंने अपना जो प्रॉपरली ऑनलाइन बिजनेस था उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है भी आप अगर अपने आप में अच्छा समझते हो भी मैं एक बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाता हूं मेरी वजह से कोचिंग सेंटर का या कॉलेज का या स्कूल का रिजल्ट भी आपका आता है अगर आपको खुद को अपने लेवल पर कॉन्फिडेंस है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर खड़ा कीजिए और उसको आप हमेशा के लिए कंटिन्यू रखिए अब ये नहीं है भी आप दो या तीन महीने के लिए जब तक लॉकडाउन है आप अपने ऑनलाइन स्टडी करा लोगे यूट्यूब चैनल पर के और जैसे स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर ओपन होंगे तो आप प्रॉपरली उसी को सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे और जो आपका ऑनलाइन बेस है उसको को आप छोड़ दोगे आप उसको प्रॉपरली कंटिन्यू रखोगे तो यह भी आपका एक पार्ट टाइम इनकम का जरिया है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपसे रिक्वेस्ट यही है आप सब लोगों से प्लीज़ सोशल मीडिया पे आप नेगेटिविटी बातें मत फैलाइए अगर आपको यूँ लगता है कि किसी के घर में हमारा एक मैसेज भेजने से किसी घर में स्ट्रेस आ सकता है तो बिल्कुल इसको इग्नोर करिए आपको यूँ लगता है कि आपके घर में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कंटिन्यू स्ट्रेस में रह रहे हैं डिप्रेशन में आ रहे हैं इसके कोविड की न्यूज़ को सुन सुन के तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसे में आप उनसे मतलब इस टाइप की नेगेटर नेगेटिविटी न्यूज़ से आप उनको दूर रखिए और ताकि उनको यूँ लगे भी आप बिल्कुल एक पॉजिटिव मॉल में जी रहे हैं मेन बात ये आती है भी मन के जीते जीत मन के हारे हार तो आपको अपने मेन टारगेट पे फोकस रखना है उसके लिए आपको मेहनत की भी जरूरत पड़ेगी तो सो प्लीज़ कीजिएगा और सबसे आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है भी नेगेटिविटी आप न्यूज़ है जो कम से कम फैलाइए अगर आपके पास आ भी जाती है तो आप इसे इग्नोर कीजिए आप अपने ग्रुप में से इसको डिलीट कीजिए ताकि आप ये जो नेगेटिव के मैसेज है वो कम से कम आगे सामाजिक में जाए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी ज़रूर करना और आप अपने कमेंट है, वो आपकी राय है वो हमें कमेंट करना नाम बोलना वो जरूर देना आपका नाम आपके स्टेट के साथ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ